6.1 में पहला सवाल है, दिया है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी हम इसमें बना लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम है यहाँ पर, एक रेखा बना देंगे ए बी और एक है सी डी, इसको नाम दे देंगे हम लोग ए और बी। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ से है एक लाइन इस तरीके से, और इसका नाम है सी, सी डी, और यहाँ से है ये ई। यानी डायग्राम बना लेंगे और इसमें दिया है आगे, यदि दिया है ये, यदि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री है। यानी हमारे को दिया है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, और एंगल दिया है बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है यानी निकालना है यहाँ से एंगल बी ओ ई, यानी ये निकालना है, और दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का। यानी दो चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, और बी ओ ई यानी ये वाला एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री। यानी हमारे को ये दोनों दे दिया है और इसका पता नहीं है अभी, तो निकालेंगे इसको भी। और दूसरा यहाँ से दिया है क्या, बी बी ओ डी यानी ये वाला दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। क्यों होगा, सिरसाभिमुख कोण से। सिरसाभिमुख कोण अभी हमने बताया था, जहाँ पर भी क्रॉस बने, जैसे देखो यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी बन रहा है ये, तो क्रॉस जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर सिरसाभिमुख कोण होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, क्या कारण होगा, सिरसाभिमुख लिख देंगे, सिरसाभिमुख, सिरसाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए यानी ये निशान जो है इसलिए का होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, जब भी इस निशान की बात करेंगे तो इसलिए, इसलिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एंगल ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। तो फर्स्ट हमारे पास में ये पता लग गया। अब सेकंड हमको इसका कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री। अब हमको पता लग गया ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री है, तो प्लस में बी ओ सी निकाल लेंगे यहाँ से, बी ओ ई, तो बी ओ ई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री, और बी ओ ई बराबर में प्लस की चीज़ को माइनस कर देंगे, यानी 70 डिग्री में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। यानी हमारे को पता लग गया एंगल बी ओ ई, यानी दोनों चीज़ निकल गया, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना है यहाँ से सी ओ ई, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिवर्ती निकालना है सी ओ ई का। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए सी ओ ई है कितने का, जब ये पता लग जाएगा तो प्रतिवर्ती का मतलब है इसके पीछे वाला, यानी सी ओ ई का ये पूरा जो है ये प्रतिवर्ती कहलाएगा। तो यहाँ से सी ओ ई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पर
एंगल AOC प्लस में एंगल, यहाँ से लिख सकते हैं COE, AOC, COE और प्लस में यहाँ से कर सकते हैं BOE, एंगल BOE, यानी तीनों को जोड़ देंगे इस ऊपर वाले तीनों को तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमारे को पता है ये कितना है 40 डिग्री है, ये कितना है ये निकालना है तो COE लिख देंगे और BOE का कितना मान है 30 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। इसका क्या कारण होगा? रैखिक युग्म। इसका कारण अगर कोई पूछे क्या है तो यहाँ से लिख सकते हैं रैखिक युग्म, यानी एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोण। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे 40 और इसको जोड़ेंगे कितना 70 हो जाएगा, 40 और 30 70 प्लस में एंगल COE बराबर में 180 डिग्री। अब COE निकालना है तो COE यहीं रख देंगे, प्लस की चीज़ को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से आ जाएगा एंगल COE बराबर में 110 डिग्री। यानी हमारे को पता लग गया, COE भी पता लग गया। अब प्रतिवर्ती निकालना है तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, प्रतिवर्ती के लिए लिख देंगे प्रतिवर्ती एंगल COE। तो सिंपल है, क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लोग जो है बराबर में करके 360 डिग्री में से घटा देंगे 110 डिग्री को, यानी पूरा कितना होता है 360 डिग्री। अब हमको निकालना कितना है तो हमको केवल जो है इस तरीके से एंगल COE का प्रतिवर्ती बताना है, यानी COE कितना निकला है तो यहाँ से ये निकला है 110 था, पीछे का प्रतिवर्ती का मतलब है पीछे का बताना है, तो पीछे का कितना आ जाएगा 360 में से घटा देंगे, यानी पूरा 360 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग 110 को घटा देंगे, तो 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री, यानी प्रतिवर्ती COE एंगल आ जाएगा 250 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।